इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। यूथ महापंचायत का आज दूसरा दिन है, तो कल यूथ महापंचायत का शुभारंभ किया गया, आगाज हुआ था। सीएम शिवराज सिंह चौहान और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया इसमें शामिल होती। आज दूसरा दिन है, आज भी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली हैं। आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तो यशोधरा राजे सिंधिया इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में युवाओं के समर्पण चर्चा होगी, तो बीजेपी खासतौर से युवाओं पर फोकस कर रही है और उसको लेकर यूथ महापंचायत का आयोजन भी किया गया। आज खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली हैं। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में युवाओं के समर्पण पर इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। यूथ महापंचायत का आज दूसरा दिन है, कल पहला दिन था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया था, आगाज किया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, इसके अलावा और भी अन्य जो हैं नेता मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और आज भी जो है दूसरा दिन, और आज कार्यक्रम में यशोधरा राजे सिंधिया शामिल होंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी लगातार बने हुए हैं। विवेक जी, यूथ महापंचायत का आज दूसरा दिन है, कल पहला दिन था, क्या कुछ कल के दिन खास रहा इस कार्यक्रम में और आज दूसरा दिन है, कह सकते हैं युवाओं पर फोकस बीजेपी का है और इसके लिए तमाम तरह के कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। आज भी जो है दूसरा दिन, क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन कौन आज के दिन शामिल होगा इस कार्यक्रम में? बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार लगातार युवाओं पर फोकस कर रही, क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव, मगर उससे पहले यदि प्रदेश सरकार की बात की जाए तो लगातार युवाओं को रोजगार देना और उनके नए स्टार्टअप को लेकर कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो प्रदेश सरकार की कर रही है। क्योंकि युवा पंचायत की बात की जाए तो यूथ पंचायत में पहले दिन में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की थी, साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर युवाओं को रोजगार देने की बात करी है। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार द्वारा 15 अगस्त से जो सरकारी जो नौकरी है उसकी जो भर्ती है, करीब 1 लाख से ज्यादा जो भर्ती है वो मध्य प्रदेश में शुरू होने वाली है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में जिस प्रकार से युवा वर्ग है उनको रोजगार दिलाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में महीने में एक बार जो रोजगार मेला है वो कहीं ना कहीं लगाया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से साफ तौर पर कहा कि सरकारी नौकरी की यदि बात की जाए तो सरकारी नौकरी सभी को दिलाना संभव नहीं है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो ऐसे अवसर तलाश कर रहे हैं, ऐसे अवसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा वर्ग है, तो करीब 2 लाख से ज़्यादा युवा वर्ग को हर महीने जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो मिल सके। मगर युवा पंचायत की बात की जाए तो युवा पंचायत का आज दूसरा दिन है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा है, जिसके कारण वो आज युवा पंचायत में शामिल नहीं हो पाएंगे। मगर खेल एवं यशोधरा राजे की बात की जाए तो खेल मंत्री जो है यशोधरा राजे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी, साथ ही युवाओं से सीधा संवाद करेंगी और किस प्रकार से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाया जाए और खेल के लिए किस प्रकार से जागरूक किया जाए और तमाम रोजगार के अवसर किस प्रकार से तलाशे जाए, इस कहीं ना कहीं आज युवा पंचायत के दूसरे दिन में इस पर मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो युवा वर्ग के जो लोग हैं उनको रोजगार आने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जो सरकारी दफ्तरों में भी जो समिति है वो कहीं ना कहीं गठित की जाएगी, तो इस पर भी मंथन किया जाएगा कि किस प्रकार रोजगार के अवसर है जो मध्य प्रदेश में बन सकते हैं, युवाओं को रोजगार मिल सकता है। साथ ही बात की जाए आज की, तो आज दूसरा दिन है तो तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी, साथ ही जो युवा वर्ग है जो अपना खुद का नया स्टार्टअप डालना चाहते हैं तो किस प्रकार से वह अपना स्टार्टअप नए तरीके से डालेंगे, जिसके लिए तमाम विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, इन तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, खासतौर से युवाओं पर बीजेपी फोकस कर रही है और लगातार कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को रोजगार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो लगातार जो है
बीजेपी की तरफ से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कल भी यूथ महापंचायत का शुभारंभ किया गया, आज यूथ महापंचायत का दूसरा दिन है और आज भी तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।